Today's session, we discussing about the what is the general purpose language and why Python is called a general purpose language. So, let's start this session. A general purpose language is a computer language that is broadly applicable across application domains and lack a specialized feature for a particular domain. General purpose language वहाँ computer language होती है जो कि कई सारे domains में use की जा सकती है. किसी एक पर्टिकुलर डोमेन में उसके कई सारे फीचर्स यूज़ किए जा सकते हैं. सो, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि पाइथन को जनरल पर्पस लैंग्वेज क्यों कहा जाता है. पाइथन इज जनरल पर्पस लैंग्वेज मीन्स दैट इट कैन यूज्ड टू बिल्ड जस्ट अबाउट एनीथिंग. पाइथन इज एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर बैकएंड, वेब डेवलपमेंट, साइंटिफिक कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड डेटा एनालिसिस. सो पाइथन को जनरल पर्पस लैंग्वेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इससे कई सारे काम किए जा सकते हैं या कई सारे डोमेन में यूज़ की जाती है. पाइथन को हम मेनली वेब डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, साइंटिफिक कंप्यूटिंग, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग एंड कई सारे एप्लीकेशन को डिज़ाइन करने में, डिवलप करने में पाइथन का यूज़ होता है. इसमें कई सारी लाइब्रेरीज होती हैं जो कि अलग अलग एप्लीकेशन डोमेन्स के लिए यूज़ होती हैं. सो दिस इज